नासा का मिशन है अज्ञात के राजों पर से पर्दा उठाना, क्योंकि हम जितना जानते हैं उससे ज्यादा वो है जो हम नहीं जानते। नासा पिछले कई सालों से अंतरिक्ष की खोज में लगा हुआ है और सालों से इस काम में अपने आप को जोखिम में डाल रहा है, क्योंकि जोखिम उठाना खोज करने का ही एक हिस्सा है। अंतरिक्ष की खोजबीन माचिस की तीली जलाने जैसा है। हमें नहीं मालूम कि अंधेरे में क्या कुछ मौजूद है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। दूसरे ग्रहों पर जीवन, गहरे अंतरिक्ष में रहस्यमय चीजें और नासा के अभियानों के दौरान परेशान करने वाली कुछ गड़बड़ियाँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यूनिवर्स के उन रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं जो अब तक एक पहेली है और उस पहेली को नासा भी नहीं सुलझा पाया है, या हो सकता है नासा हमें बताना नहीं चाहता। रोजाना स्पेस में अलग अलग तरह की गतिविधि होती रहती है जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो जाने अनजाने में कैमरे में कैद कर ली गई है, जिनमें से कईयों को नासा ने रद्द कर दिया और कईयों के बारे में नासा ने खुले तौर पर कुछ नहीं बताया। तो स्वागत है आपका अनएक्सप्लोर्ड चैप्टर ऑफ नासा। पृथ्वी से 368 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंतरिक्ष यात्री को कुछ अनोखा नजर आता है, जिसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोई कुदरती चीज नहीं थी। ये पृथ्वी के कक्षा में चाओ का चौथा और आखिरी सफर था। कॉस्मोनॉट सालेजान शारिपोव चाओ के साथ काम करते हैं। इन दोनों की जिंदगी उस एक इंच मोटी केबल पर निर्भर करती है जो इन्हें अंतरिक्ष में भटकने से बचाती है। अगर बदकिस्मती से ये केबल खुल जाए और आप उड़ते हुए स्टेशन से दूर चले जाएं, तो समझिए खेल खत्म, फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। चाओ काफी तेज रफ्तार पर पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे और आगे जो कुछ हुआ वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। चाओ के मुताबिक उनके स्टेशन से करीब उन्हें कुछ चार लाइटें दिखाई दी जो कि उनसे बहुत करीब उड़ रही थी। चाओ ने फौरन मिशन कंट्रोल को कॉल किया। नासा इंजीनियर जेम्स ओबर्ग स्पेस वॉक पर नजर रखे हुए थे। चाओ ने जब वो लाइट्स देखी तो उन्होंने अपने क्रू के मेंबर से कहा कि क्या तुमने वो लाइट्स देखी? लेकिन उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का चेहरा लाइट से उल्टी दिशा में था, जिस वजह से वो नहीं देख पाया। यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन पर लगे कैमरे भी ये दृश्य नहीं देख पाए। लेकिन इस घटना ने नासा के इंजीनियर जेम्स स्मिथ का ध्यान अपने तरफ जरूर खींचा। उन्होंने चाओ के साथ हुए हादसे के समय वाले सैटेलाइट की तस्वीरों को ढूंढ निकाला और किस्मत से उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिल भी गई जिसमें उसी इलाके में चार या पांच लाइटें एक साथ देखी गई, जहां से कुछ ही घंटे पहले ही चाओ ने उड़ान भरी थी। और इस तस्वीर से चाओ की बात की पुष्टि हो गई। तो आखिर उन्होंने क्या देखा था? सुमित ने सैटेलाइट के रास्ते के रिकॉर्डों को छानना शुरू किया, यहाँ तक कि मिलिट्री एयरफोर्स एक्सरसाइज के रिकॉर्डों को भी देखना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर स्मिथ ने जमीन से जुड़ी गतिविधियों की तरफ अपना ध्यान घुमाया। दक्षिण अमेरिका की जल राशियों में कमर्शियल फिशिंग फ्लीट रात में मछली पकड़ने के लिए ढेर सारी लाइटें लगाते हैं। स्मिथ को लगा कहीं चाओ ने इन्हीं रोशनियों को तो नहीं देखा था, क्योंकि कटल फिश या स्क्विड को बेहद चमकदार रोशनियों की वजह से ये लोग आसानी से पकड़ पाते हैं। तो शायद हो सकता है चाओ ने इन्हीं लाइटों को तो नहीं देख लिया। और दोस्तों, चाओ का मानना है कि ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर भी जीवन संभव है, लेकिन स्पेस से देखे जाने वाली ये लाइट्स के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है। नई खोजों से पता चला है कि दूसरे ग्रह के वासी हमारे अंदाजे से हमारे कई ज्यादा करीब हो सकते हैं। पृथ्वी से 80 करोड़ किलोमीटर से भी कम दूरी पर इन लाल रंग वाली रहस्यमयी लाइनों ने कई सालों से विशेषज्ञों को उलझा रखा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये लाइनें वहाँ पर जीवन की संभावना को दर्शाती है। ये लाल रंग वाली लाइन्स इनमें से कुछ पृथ्वी पर मौजूद फ्रीवेज से मिलती जुलती है, लेकिन वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि वो यूरोपा पर मौजूद पर्यावरण के बारे में सही तौर से नहीं जानते हैं। सन 2001 नासा के वैज्ञानिक ब्रैड डॉल्टन ने लाल रंग वाली इस पहेली पर अपना ध्यान जमाया। डॉल्टन ने यूरोपा पर मौजूद उन लाइंस के इंफ्रारेड केमिकल सिग्नेचर की पैमाइश की और उनकी तुलना येलोस्टोन नेशनल पार्क के गर्म पानी में रहने वाले जीवों से की।
अगर नतीजा सकारात्मक निकलता तो इसका मतलब था कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना है। दूसरे कई वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरोपा पर मौजूद स्थितियों में मानव जीवन कायम नहीं रह सकता, लेकिन नासा के क्रिस मकई को ऐसे जीवों को खोजने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है जो वहाँ पनप सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल पृथ्वी के सबसे मुश्किल पर्यावरण में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल एक ऐसा जीव है जो उन पर्यावरणों में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं जहां इंसान जिंदा नहीं रह सकते। एक्सट्रीमोफाइल तो अपने माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये नमक का रंग हरा कर देते हैं और यूरोपा पर मौजूद लाइंस की तरह ये भी लाल रंग की पट्टियों की संरचना कर सकते हैं। और यूरोपा पर जीवन भी कुछ ऐसा ही लग सकता है जैसे पृथ्वी पर उन जगहों में नजर आता है। यूरोपा की सतह पर जीवन का मौजूद रहना संभव हो सकता है। पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर दो अंतरिक्ष यात्री इंसान के ज्ञान की हदों को बढ़ा रहे थे। उन्होंने जो सबूत अपने साथ लाए उसने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जो 3 दशक से ज्यादा तक कायम रहा। 21 अप्रैल सन 1972 36 साल के अंतरिक्ष यात्री चार्ल्स ड्यूक चांद पर कदम रखने वाले सबसे कम उम्र के इंसान बनने वाले थे। उनका मिशन था चांद से पत्थर लाना। ड्यूक को नहीं मालूम था कि वो वहां से सिर्फ जियोलॉजिकल सैंपल ही नहीं लाने वाले बल्कि एक ऐसी खबर भी लाने वाले थे जिसने सभी को पूरी तरह से हैरान कर दिया। मिशन कमांडर जोंग यन के साथ ड्यूक चंद्रमा के दक्षिण पूर्वी क्वाड्रेंट में उतरे और वो चांद पर लूनर रोवर के साथ मौजूद थे। 3 दिन बाद चंद्रमा के कुछ 10 किलो पत्थर लेकर अब वक्त था पृथ्वी पर वापस लौटने का। पृथ्वी पर रवाना होने से पहले अंतरिक्ष यान के बाहर लगे कैमरों को निकाल लिया और फिर ये लोग कामयाबी से समुद्र में उतर गए। ये मिशन एकदम संपूर्ण लग रहा था, लेकिन जब फिल्म को प्रोसेस किया गया तो तस्वीरों से पता चला कि अंतरिक्ष में अपोलो 16 शायद अकेला नहीं था। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रियों ने इस फोटो को देखा तो वो चौंक गए। नासा के जिम ओबर्ग का कहना है कि ये ठोस लगने वाली चीज शायद चंद्रमा से नजर आने वाली पृथ्वी की तस्वीर है, लेकिन दिक्कत ये है कि पृथ्वी गलत जगह पर है। यूएफओ पे गहरी दिलचस्पी रखने वालों ने चंद्रमा की पोजीशन की जांच की। उन्होंने पाया कि ये किसी भी तरह से पृथ्वी की तस्वीर नहीं है। ये रहस्य 3 दशक से भी ज्यादा समय तक सुलझ नहीं पाया था। फिर 2004 में इमेज एनालिसिस में प्रगति के कारण नासा की खोजबीन फिर शुरू हुई। इस चीज के नजर आने के 32 साल बाद इस केस को दोबारा ओपन किया गया और नासा ने इमेज रिजोल्यूशन को बूस्ट किया और कई अलग अलग फ्रेमों को मिलाया। नई तकनीकों से कुछ ऐसा नजर आया जो पहली वाली तस्वीरों में नहीं दिखा था। ये एक स्ट्रट था जो यूएफओ को कमांड मॉड्यूल से जोड़ता हुआ दिख रहा था। 3 दशक तक चली इन अटकलबाजियों के बाद अब इस चीज के बारे में यकीन से कहा जा सकता था। ये चीज थी कमांड मॉड्यूल्स पर लगी फ्लग लाइट। अगर स्पेस यात्रियों को रात में काम करना पड़ता है तो उन्हें फ्लग लाइट की जरूरत पड़ती है और ये एक सामान्य बात है। तो इस तरह 30 साल पुराने इस रहस्य का खुलासा हो गया। पता चला कि ये उड़न तस्तरी एक कल्पना से ज्यादा और कुछ नहीं थी। 20 सितंबर सन 2006 स्पेस शटल अटलांटिस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी में था। इसका क्रू पिछले 12 दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जोड़ने का काम कर रहा था। तभी अचानक ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने स्पेस में कोई चमकती हुई चीज को देख लिया और उस चीज को पहले कभी नहीं देखा गया था। मिशन कंट्रोल ने कमांडर ब्रेंट जेट से इसके बारे में और जानकारी देने को कहा। इसे देखने के बाद लग रहा था ना तो ये कोई ठोस चीज है और ना ही किसी धातु से बनी है। फिर मिशन कंट्रोल ने कैमरे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और तब हालात सचमुच दिलचस्प होने लगे। अजीब बात थी कि तभी इन चीजों की तादाद बढ़ गई। 20 मिनट तक अटलांटिस इन चीजों पर नजर बनाए रखा और ये तस्वीरें मिशन कंट्रोल तक पहुंचती रही। जब इन चीजों की दिखने की खबर मीडिया तक पहुंची तो सनसनी पैदा हो गई। इन हिलती डुलती चीजों को देखकर नासा को लगा कि ये अंतरिक्ष में तैर रहा मलबा था जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन इस सरकारी बयान से हर कोई सहमत नहीं था। लेकिन नासा को वाकई ये शक था कि ये चीजें अंतरिक्ष में मौजूद मलबा थी, क्योंकि 3 साल पहले किसी शटल के ऐसे मलबे की वजह से शटल कोलंबिया बर्बाद हुआ। नासा ने उन चीजों के बारे में जानने के लिए नासा ने अगले दिन उनके पृथ्वी पर लौटने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। नासा ने लैंडिंग में देरी कर दी ताकि इस बात की जांच हो सके आखिर वो है क्या। चमकती रहस्यमय रोशनी के नजर आने के एक दिन बाद एस्टियोस 115 को आखिरकार लैंड करने की इजाजत दे दी गई।
लेकिन उस रहस्यमयी रोशनी के बारे में अभी भी नासा के पास सटीक जानकारी मौजूद नहीं है। नासा स्पेस की खोजबीन लगातार जारी रखे हुए है और इस कारण हम अपने अंतरिक्ष को नए नजरिए से देखने में मजबूर हो गए हैं। अनजान माहौल, अनजान चीजें और ऐसी शक्तियां जिन्हें हम समझते नहीं है, हम अपने सोलर सिस्टम के आसपास मौजूद रहस्यों का खुलासा जारी रखे हुए है, लेकिन इनमें से अनेक का राज आज भी नहीं खुला है। दोस्तों, क्या इस ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जीवन होना सिर्फ हमारी कल्पना ही है या फिर इसमें कुछ सच भी है? दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।